सो गाइज़ वेलकम बैक अगेन टू द चैनल लेट्स अनबॉक्स, जहाँ पे हम करते हैं मोस्टली चीज़ों की अनबॉक्सिंग और टेक रिलेटेड बातें। आज मैं बताऊँगा रेड ड्रैगन की तरफ से आने वाले सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड के रिव्यूज़, मुझे कैसा लगा, यूज़ करने में कैसा है, क्योंकि मैं इसे पिछले एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं अंदर बॉक्स में क्या क्या है। No quiero perder lo que queda. Y más, allá. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta. तो फाइनली मेन बॉक्स से अनबॉक्स हो चुका है हमारा कीबोर्ड का बॉक्स, जिसपे फ्रंट में डिटेल्स लिखी हुई हैं, फीचर्स लिखे हुए हैं मेन। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें मेन फीचर्स मेंशन कर रखे हैं 25N की रोल ओवर, 12 मल्टीमीडिया की LED बैक लाइट, विन की लॉक, ये सब वगैरह मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। और इस बॉक्स पे पैकिंग पे MRP लिखी हुई है 1690, लेकिन ये मुझे पड़ा 1400 का, 1399। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट मेन बॉक्स को देखें तो उस पर लिखा हुआ है मेन हाईलाइटेड में, हाई स्पीड, हाई कंट्रोल, हाई रिस्पॉन्स। मॉडल नंबर है डायोज गेमिंग कीबोर्ड, रेड ड्रैगन की तरफ से आने वाला रेड ड्रैगन K509। आप टाइटल में भी पढ़ लोगे इसका मॉडल नंबर, और परचेज लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अच्छा लगे रिव्यू तो आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ लिखे हुए हैं इसको कुछ फीचर, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, तो मैं इंग्लिश के पढ़ के आपको बता देता हूँ। 7-color रेनबो बैकलाइट फुल साइज गेमिंग कीबोर्ड विद न्यूमेरिक कीपैड एंड 12 मल्टी मीडिया कीज, बैकलाइट ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, बैकलाइट ब्रेथिंग स्पीड एडजस्टमेंट, 104 स्टैंडर्ड की, 25N की रोल ओवर, विंडो की लॉक और डबल शॉट इंजेक्शन की लैम्प्स। तो चलिए अभी बॉक्स में से कीबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, वायरिंग वगैरह। तो कीबोर्ड को हमने निकाल लिया पैकिंग से बाहर। पैकिंग से बाहर निकालते हैं, सबसे पहले मिलती है हमें छुटकू सी किताब, जो हमें पढ़ने के लिए दी जाती है, लेकिन इसे पढ़ता कौन है आजकल, सबको सभी कुछ पता होता है। तो आते हैं अब कीबोर्ड पे मेन। तो भाई साहब इसकी बिल्ड क्वालिटी तो मुझे इतनी ख़तरनाक लगी भाई, की प्रेसिंग साउंड, की प्रेस करने का भाई मज़ा आ गया की में तो। और पीछे मेटल की वो प्लेट दे रखी है, शायद एल्यूमिनियम की बनी हुई है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की फील देती है ये। और नीचे ये RGB लाइटनिंग के लिए स्पेस दे रखा है, RGB जब जलेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं आपको सैंपल्स दिखा दूँगा वीडियो के एंड में। तो ऐसा नहीं कि पिछली बार मैंने मंगाया था जो कॉस्मिक वाइट का, उसकी की वगैरह ख़राब है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप कैमरे में देख सकते हो किस तरह इन्होंने की को बाइंड किया हुआ है, नीचे मेटल की वायर है और ये एक्सटेंड करने के लिए कीबोर्ड की हाइट को दोनों तरफ दे रखा है, अभी वीडियो में आपको एक ही तरफ दिख रहा होगा। और तो बात कर लेते हैं इसकी वायर क्वालिटी की, वायर क्वालिटी भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, ये सिल्वर प्लेटेड है, लेकिन काम चल जाएगा, वायर काफ़ी अच्छी है, मोटी है, आगे मजबूत भी दे रखी है। तो चलो इसको करते हैं अब चेक PC में लगा के, देखते हैं इसके कलर वगैरह किस तरह के हैं, कितने डिफरेंट कलर हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, लेट्स गो। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने USB प्लग इन किया तो सबसे पहले तो ब्लू लाइट जली, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर डिफरेंट डिफरेंट 7 colors की लाइट जली, और इसमें वाइट लाइट भी है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसमें पेज अप पेज डाउन की से इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं लाइट की, और भी फीचर्स है इसमें, आप ब्रीथिंग इफेक्ट इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था, चलो इसको ब्रीथिंग इफेक्ट ऑन करने के लिए सेटअप पे लगा के देखते हैं एक बार। सो गाइज आप यहाँ पे 7 different कलर्स देख सकते हैं कीबोर्ड के, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कमेंट करके बताओ आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लगा, मुझे तो इसका ग्रीन कलर सबसे बेस्ट लगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर ये रहे, मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। एंड उसके बाद ब्रीथिंग इफेक्ट आप देख लीजिए, मैं वीडियो ऐड कर दूंगा क्योंकि ये मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसी बात पे आप थोड़ा वीडियो का मजा लें गाने के साथ। I'm falling.
सो गाइज अब आते हैं काम की बात पे। देखो भाई सही सही बता रहा हूँ, मुझे तो इस प्राइस पॉइंट पे ये कीबोर्ड सबसे बेस्ट लगा भाई, क्योंकि मैंने खुद ही रिफ़र करके नहीं लिया ये, मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी पूछा जो काफ़ी टाइम से गेमिंग में और इन सब कीबोर्ड को यूज़ कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे ये रिफ़र करा काफ़ी कुछ देखने के बाद, तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा, और वीडियो के बारे में बताएं भाई आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो आप बता दो, और जो डिस्प्ले पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेट्स अनबॉक्स, जी हाँ ये अपना ही चैनल है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई है। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो यहीं पे एंड।